सुप्रभातम, नमस्कार। मैं विवेक जैन महाजन, संभाजीनगर औरंगाबाद से, महाराष्ट्र से। देखिए, मैं सबसे पहले कल से हमेशा कह रहा जा रहा हूँ, सबसे बड़ी जंग हमारी नींद को छोड़ने की है। उसको जीत लिया तो हमने सब कुछ जीत लिया, क्योंकि हमको सोना अच्छा लगता है, मगर जितना हम सोने के प्रति मोह करेंगे उतना हम खोते चले जाएंगे। इसलिए एक बार फिर दो पंक्तियाँ दोहराना चाहता हूँ जो पहले मैंने कभी आपको बताई थी। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है वो खोवत है, वो जो जागत है सो पावत है, जो सोता है वो खोता है, वो जो जागता है वो पाता है। सोता है तो क्या खोता है, अपने स्वास्थ्य को खोता है, और जागता है मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है और बाहर निकल जाता है तो क्या पाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा बहुमूल्य टॉनिक जो है, जो हमारी इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने वाला जो टॉनिक है, शक्तिवर्धक है, ऐसे प्राणवायु को हम खोते रहते हैं। और मैं ये स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहता हूँ कि जो सूर्योदय के जितनी देर बाद तक उठेगा वो अपना स्वास्थ्य उतना ही खोता चला जाएगा, ये निश्चित तौर पे बताइए बात है। पर्दे लगा लगा करके सोने का काम मत कीजिए, अपने स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ मत कीजिए। हमेशा सुबह सूर्योदय के पहले, जो कहते हैं जो सोवत है वो खोवत है, अपने स्वास्थ्य को खोता है, वो जो जागत है सो पावत है, वो क्या पाता है कि प्राणवायु पाता है, और प्राणवायु पाता है तो जो हमारे प्राणों को मजबूत बनाता है, हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को मजबूत बनाता है, फेफड़ों को मजबूत बनाता है। और इसलिए आपको मैं बहुत इससे निवेदन कर रहा हूँ, सबसे बड़ी योगा के लिए लड़ाई जो है, पहले पहले अपने नींद निद्रा देवी को जीतना है, और उस मोह को छोड़ करके उठ करके आपको बाहर निकलना है। एक बार आप सोने से उठ जाएंगे, जग जाएंगे, मुंह धो लेंगे तो उसके बाद में आपको नींद नहीं आएगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि एक चार पंक्तियाँ और सोने के संदर्भ में मैं बताता हूँ। सोने में न जाने क्या क्या हो जाता है, सोने में न जाने क्या क्या हो जाता है, बिल्ली दूध पी जाती कुत्ता चौका धो जाता है। सोने में जाने न जाने क्या क्या हो जाता है, बिल्ली दूध पी जाती कुत्ता चौका धो जाता है। इसीलिए तो कहता हूँ जमकर सोने वालों, इसीलिए तो कहता हूँ ये जमकर सोने वालों, सोने वालों का घर में ही घर खो जाता है, सोने वालों का घर में ही घर खो जाता है। इसलिए सोना छोड़ दीजिए, जाग जाइए। ये जागरण हमारे जीवन का जागरण है, और यहीं से जीवन का अपना अच्छा समय चालू हो जाएगा। सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि योगा क्या है, प्राणायाम क्या है, ध्यान क्या है, ये हम समझे तो सही। योगा क्या है तो कहते हैं हमारे तीन योग होते हैं, मन, वचन और काय, शरीर, और तीनों को संतुलित रखना, तीनों को एकाग्र करना, तीनों को मतलब काबू में रखना, वो है योग। और उसको कहते हैं योगी, किसको, जो अपने मन को, अपने शरीर को, अपने वचन को अपने कंट्रोल में रखे, उसमें विकृतियां नहीं आने दे, उसको कहते हैं योग। और वो विकृतियां आएगी कैसे, नहीं कि जब हम नियमित रूप से योगा ध्यान और योगा प्राणायाम और मेडिटेशन करते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे, तो ये विकृतियां किसी स्तर पे भी हमारे जीवन में नहीं आएगी। तो ये कि योगा है, मन को, वचन को और शरीर को, तीनों को साधना, वो है योग ना, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी साधना है, और वो योग है। और वो योग जो करता है वो योगी है, मतलब जो अपने मन को काबू करता है, अपने शरीर को काबू में रखता है, अपने वाणी को काबू में रखता है, वो सबसे बड़ा योगी है। आप चाहे घर में रहो, चाहे बाहर में जाओ, चाहे जंगल में जाओ, चाहे साधु बन जाओ, मगर
साधु बनकर के भी जिसको अपने मन को, अपने वचन को, अपने शरीर को कंट्रोल करना नहीं आया, उसको केंद्रित मतलब नियंत्रित करना नहीं आया, तो साधु बनकर के भी योगी नहीं है। और हम घर में रह कर के भी अपने मन को, अपने शरीर को, अपने वचन को मतलब कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं, तो हम घर में रह के भी योगी है। ये बात, ये योग प्राणायाम क्या है कि हमारे सांसों के माध्यम से अपने प्राणों को मजबूत करना, वो प्राणायाम है। सांसों को नियंत्रित करके अपने प्राणों को, प्राण किसे कहते हैं कि जो हमको जीवन शक्ति देते हैं, ऐसे प्राण, सांसों श्वास हमारा प्राण है, और उसको कंट्रोल करके अपने प्राणों को, अपने जीवन को मजबूत करना, जीवन को दीर्घजीवी करना, वो है प्राणायाम, जिसके माध्यम से। और ध्यान क्या है तो कहते हैं अपने मन को, अपने वचन को और अपने शरीर को एकाग्र करके आत्मस्थ हो जाना, अपने आत्मा का ध्यान करना, उसको कहते हैं ध्यान। तो कहते उससे क्या मिलेगा, तो हम योगा करेंगे तो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, प्राणायाम करेंगे तो हमारी जीवन शक्ति मजबूत रहेगी, और ध्यान करेंगे तो हमारी आत्मिक शक्ति, आत्मबल मजबूत होगा। इसलिए इन तीनों का हमारे जीवन में जरूर समावेश होना चाहिए। कल मैं आपके बात करूंगा कि ये क्या है, ये आज योगा क्या है, प्राणायाम क्या है और ध्यान क्या है, ये आपको बताया। कब करें, आजकल सबके सामने समस्या है कब करें, हम तो बहुत व्यस्त है, तो इस प्रश्न का जवाब आपको कल दे देंगे। अब हम चलते हैं, धीरे धीरे ऐसे हर रोज़ योगा के संदर्भ में बातचीत भी करता रहूँगा, ताकि आपके योगा के संबंध में जो शंकाएं हैं उसका समाधान हो जाए, उसके बारे में जो गलत फहमी है वो भी ख़त्म हो जाए, और आप इसके साथ में जैसे तैसे जुड़ जाए। मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो जितना जल्दी योगा से जुड़ जाएगा उसका शारीरिक जीवन, मानसिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन सब स्वस्थ हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा। चलिए आज कल जहाँ तक छोड़ा था उसका रिवीजन करके आगे चलते हैं योगा के लिए। देखिए अब पिछला तो नहीं दोहराऊंगा, एक दो पीछे वाले दोहराऊंगा। पहले मैंने ये कहा था, जैसे घुटनों को हमने यहाँ तक किया, एक दो बार दोहराऊंगा, आप पांच बार नियमित रूप से कर लिया करें। ये यहाँ तक 30 डिग्री सेल्सियस में ले लिया, और फिर बाद में इसको एक दो तीन ऐसे फिर खड़े होना है, एक दो तीन ऐसे खड़े होना है, एक दो तीन। हमारे घुटनों के लिए बहुत ही सुंदर व्यायाम है, एक दो तीन ऐसे, ये पांच बार दोहराना है आपको। और उसके बाद में कल आपको बताया था दंड या बैठक जिसे कहते हैं, उसको एक बात है ध्यान रखनी है कि जैसे ये मुट्ठी बंद करनी है, अंगूठे अंदर लेने हैं, और बाद में हमको पंजों पे रहना है नीचे, और फिर बाद में एड़िया ऊपर रहेगी। जैसे देखिए मैं पीछे से दिखाता हूँ आपको कैसी पोजीशन होएगी। देखिए एक दो तीन, आगे से दिखाता हूँ, चार पांच। इससे घुटनों को भी फायदा होगा, एड़ियों को भी फायदा होगा, और हमारे पिंडलियों में मसल्स जो है उसको भी लाभ हो जाएगा। हमारी हिप है और उसके घुटने के और हिप के बीच में जो मसल्स है उसमें भी फायदा हो जाएगा। तो ये दंड है, मैंने कहा था आपको कि ये दंड आप कभी भी मतलब दे 100 तक कर सकते हैं। योगा कब करना है इसको मैं भी बाद में करूँ बताऊँगा, मगर अभी तो ये दंड जो है हम 100 तक कर सकते हैं, कभी मतलब उसको बढ़ा सकते हैं यदि आपके पास समय नहीं है तो 5 तक कर करके उसको आगे बढ़िए। इसके आगे का एक्सरसाइज जो है, खड़े खड़े जो एक्सरसाइज, इसमें एक्सरसाइज भी है, योगा भी है, सब कुछ है। चलिए खड़े खड़े वाला एक्सरसाइज जो है, आपको इतना पैर जो है फैलाने हैं, लगभग 1 से 1.5 फीट मतलब पैरों के अंदर अंदर अंतर रहेगा। और सबसे पहले हम फिर से पहले किया था एक्सरसाइज जो हमने यहाँ पे दोनों पैर जुड़े हुए थे, उसी को हम लगभग दोहराएंगे पैर फैला करके।
ये पैर फैला दिया हमने, एक से डेढ़ फीट लगभग मतलब दूर रखना है, फिर हम यूं करेंगे हाथ को और फिर धीरे। अब यहाँ पे हमको श्वास का ध्यान रखना है। पहले क्या करना है कि रेचक करते हुए हमको पूरे उसमें जाना है, मतलब पूरा जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो सांस को निकालते हुए चले जाएंगे और अंतिम बिंदु तक चले जाएंगे, वहाँ सांस पूरा निकाल लेंगे। वहाँ लगभग 30 सेकंड हम कुंभक करेंगे, मतलब सांस को रोके रखेंगे और जैसे पूर्व स्थिति में आना शुरू कर देंगे धीरे धीरे, तो उसको हम मतलब सांस पूरक करेंगे, मतलब लेंगे और पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं धीरे। अभी ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी, कभी जल्दीबाजी तो करना ही नहीं है अपन को, चाहे कम करो मगर धीरे धीरे करो। चलिए सांस निकालते हुए आप यहाँ से, अब यहाँ जाने के बाद में ये हाथ यहाँ पे सीधा रहेगा और ये हाथ यहाँ सीधा रहेगा और हमारी नजरें जो है थोड़ी है इस हाथ के बराबर जाएगी। देखिए अब फिर दोबारा सांस लेते हुए हम यहाँ जाएं। अब इधर से पोजीशन आपको दिखाई देगी, देखो सांस छोड़िए धीरे धीरे चलिए, ये फिर से आइए सांस लेते हुए इसको, ये आए ध्यान में। तो ये हमको करना है, ये एक्सरसाइज जो है हमारे कंधों को, हमारे गर्दन को या हमारे एड़ी से लेकर के गर्दन तक हर एक हड्डी को मतलब हमारे एक्सरसाइज देता है, रिलैक्स देता है। वहाँ पे हर एक हड्डी का एक्सरसाइज होता है, हमारे सब जगह के मसल जो है उनमें भी आराम पहुँच जाता है, मगर धीरे करे जल्दीबाजी करने से कहीं हमारे मसल पेन हो सकता है, जल्दी कहीं भी नहीं करनी है। ये आज का एक्सरसाइज ये हो गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक एक्सरसाइज आज और बता देता हूँ, ये छोटा सा एक्सरसाइज था इसलिए एक एक्सरसाइज और बताता हूँ आपको। देखिए ये हमारे पैर ऐसे के ऐसे रहेंगे, शुरू में आपको नहीं बैठेगा। अब इसको हम सांस लेते हुए मतलब सांस छोड़ते हुए इस कंडीशन में आएंगे। देखिए यूं बैठना है, ये यहां लगाना है और फिर आपको पूरा नीचे बैठना है, जितना नीचे ले सकते हो और गर्दन सीधी। देखिए फिर 30 सेकंड सांस रोक करके फिर सांस लेते हुए आप ऊपर आइए, फिर से बराबर ये हमारा हाथ जो है दोनों पैरों के विरुद्ध सेंटर में आना चाहिए और फिर बैठ जाइए। फिर से ऊपर इसको 5 बार दोहराइए। उसके बाद में इसी में एक एक्सरसाइज है, यहाँ तक रोक जाऊँगा, ये हाथ सीधे हमने करे हैं देखो यहाँ पे, और फिर हम यूं बैठते हुए जाएंगे सांस निकालते हुए, देख धीरे धीरे, और फिर हमारे पंजों पे आएंगे। पंजों पे आने के बाद में इसको यूं पकड़ेंगे, यूं पकड़ करके कस करके और फिर ऐसे जंबलिंग करेंगे, जिससे क्या है कि हमको एक्सरसाइज मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक पूरा। देखिए और फिर हम उसको फिर से एक कंडीशन में आएंगे और फिर यूं आकर के बाद में एड़ियां टिकाएंगे। फिर से एक बार बताता हूं, देखिए फिर ये दोनों हाथों से पकड़ा हमने और पकड़ने के बाद में यूं कस करके पकड़ना और फिर बाद में हम यूं आए। 5 बार किए, ये 2 बार 3 बार करे तो भी चल जाएगा मगर धीरे से करना है। इन दोनों से क्या है कि सारी इसकी मसल जो है या सारी हमारे नसें जो है वो बिल्कुल फ्री हो जाती है उसमें किसी तरह के, साथ साथ संबंधित जो हड्डी के जोड़ है
उसका भी हमको एक्सरसाइज हो जाता है। तो ये दो तीन एक्सरसाइज मैंने आपको बताए, एक दूसरे से संबंधित थे इसलिए मैंने एक साथ में बताए। कल इसको दोहरा करके फिर आगे चलेंगे। नमस्कार, सुप्रभातम।